Union Water Resources Minister Uma Bharati strongly defending the government on the drought crisis. She said it's the first time in history that water trains have been sent to combat drought. But when it was pointed out that according to the government's own rules, water trains and tankers are meant to be used as a last resort, Uma Bharati said drought is a phenomenon for which it is pointless to plan in advance. As the drought worsens its grip across India, questions are being asked about whether the centre did enough and did it respond in time. I'm joined by the Union Water Minister, Uma Bharati. Thanks very much indeed, Uma ji, for talking to us. Drought is not like an earthquake, as you know. Ye toh bahut time se aa raha tha. This has been coming for almost a year. Why is it that the central government didn't act enough in time, as some people feel? जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ कहना है भारत सरकार के बारे में. मैं तो कह रही हूँ कि ये पहली सरकार है जिसने पानी राज्य का विषय होते हुए भी रेलों के द्वारा पानी पहुंचाया है. शायद ये भारत में पहली बार हुआ है. और प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में हमको कहा है, सारे मंत्रियों को, कि सूखे का सामना करना है. राज्य सरकारें सूखे का सामना करने का जो प्लान बनाए उस प्लान में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करो. इसलिए मेरी खुद की मिनिस्ट्री भी स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करेगी. बट व्हेन यू से दैट ट्रेन्स हैव बीन सेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ओन ड्राउट मैनुअल, जो आपकी खुद मैनुअल मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे है, उस पे कहा है कि ट्रेन्स और टैंकर्स भेजना बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है. मतलब जब सब ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए, आपने पहले प्लानिंग की होती तो ये ट्रेन्स और टैंकर्स भेजने की जरूरत ही नहीं होती. ड्राउट एक ऐसी चीज होती है जिसकी प्लानिंग पहले की प्लानिंग का जिसमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मानसून के प्रेडिक्शंस मुझे पिछले साल के याद हैं जी. लेकिन पानी बरसा था और ये एक यूनिवर्सल चैलेंज है. अब लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के किसी दो तीन स्टेट ऐसे भी हैं जहां फ्लड आ गए. अब तो इसलिए इन सब चीजों के लिए जो तात्कालिक तैयारियां होती हैं उसके लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार से अच्छी एक्सपर्टीज के पहले किसी सरकार नहीं. बट मैं तो पूछ रहा था कि पिछले 8 महीने से जब क्लियर था कि ड्राउट की हालत होने वाली है, क्या कदम सरकार ने उठाए? जो राज्य सरकारें कदम उठाए हम उसमें सहयोग करें, हमें कह दिया गया इसका मुकाबला करने के लिए. जैसे ही मानसून का प्रेडिक्शन आया, प्रधानमंत्री जी ने हमको कैबिनेट में, हम सब मिनिस्टर्स को, खास करके जो पानी से संबंधित थे, हमें कह दिया गया कि राज्य सरकारें जो कदम उठाए उसमें उनका पूरा सहयोग करो. और उसमें फाइनेंशियल कंकरेंसी काफी है, वो पैसे जमा करें और फिर हम अपना पैसा रिलीज करें, इसकी भी जरूरत नहीं है. इतनी छूट तो पहली बार दी है किसी ने. बट ये तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं. मैं आज के लिए भी कह रही हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले से कदम उठाया होता तो जो हालत पानी की है इस वक्त, the very desperate condition in drought affected areas, वो होती नहीं. लोग पानी के लिए तरस रहे हैं. तो इससे क्या साफ जाहिर हो जाता है कि government did not act in time? कहीं ना कहीं आप ये क्या मानती हैं? मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगी आपको, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे टीवी चैनल के पढ़े लिखे रिपोर्टर हो कि पानी तो है राज्य का विषय. इसलिए राज्य सरकारें अपनी जो योजना बनाए पानी को लेकर के उसमें उनका पूरा सहयोग करो, हमें कहा जा चुका है. और पूरे सहयोग कब कहा गया यही, जब से प्रोडक्शन शुरू हुए तब से, कि हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हो. कृषि मंत्रालय को कहा, मुझे कहा, अर्बन डेवलपमेंट को कहा, रूरल डेवलपमेंट को कहा. और मैंने, रुकिए, ऐसे नहीं, फिर आपको आलोचना ही करनी है तो अलग बात है. नहीं, आलोचना नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा था. तब ठीक है. और मैंने लगातार बैठ के बुलाई है राज्य सरकारों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की, मिनिस्टर्स की, और उनको कहा है कि आप बताइए आपको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमसे क्या चाहिए, हमें खाली फाइनेंशियल कंकरेंस दे दीजिए आप बस. देखिए अभी मेरे को आलोचना नहीं करनी, एक मिनट क्योंकि यूपीए की सरकारें जब राज्यों में थी जी, कुछ सरकारों ने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किए और पूरा पैसा उन्होंने खत्म कर दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है. मैं नाम नहीं लूंगी अभी ना उन राज्यों का और ना उन प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि अभी मेरे को चिंता यह है कि मेरे को राजनीति नहीं करनी जैसी वो लोग कर रहे हैं. अभी मुझको ये करना है कि तात्कालिक समाधान क्या हो सकते हैं, वो हमसे जितना बनेगा मैं कल सुझाऊंगी नागपुर. आप खुद ड्राउट अफेक्टेड स्टेट्स एरियाज में क्यों नहीं गई? मैं तो जाती हूँ. अच्छा, आपको नहीं मालूम? आप लोग को क्या है कि आप तो वो इंटॉलरेंस और वो गौ हत्या और उसको देखते रहे, आपको ये पता ही नहीं है कि मैं महाराष्ट्र के 4 दौरे कर चुकी हूँ. अच्छा, मुझे करेक्ट करिए. नहीं, मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करिए. मैं जो जहाँ राज्य बुलाते हैं वहाँ जाती हूँ, नहीं बुलाते हैं तो भी जाती हूँ मैं तो. जब से ड्राउट हुआ है, मैं वार्निंग देती हूँ राज्यों को. नहीं, वार्निंग देके आई, भाषण दे देके वार्निंग देके आई, उसमें राज्य की सरकारें साथ बैठी हुई थी जब मैं वार्निंग दे रही थी. तो जिस जो जो ड्राउट अफेक्टेड स्टेट्स में से कहाँ कहाँ जब से ड्राउट डिक्लेयर हुआ? मैं राजस्थान गई, मैं छत्तीसगढ़ गई, मैं मध्य प्रदेश गई, मैं महाराष्ट्र गई, मैं पंजाब गई, मैं हरियाणा गई, मैं बिहार गई, मैं झारखंड गई. ड्राउट नहीं, हम पहले हम लगातार जा रहे हैं.
आई कीप ऑन गोइंग। अच्छा, मैं दोहरे रिपीट करती रहती हूँ और वार्निंग देती रहती हूँ और ये भी कहती रहती हूँ कि आप जो प्लान बनाएंगे हम साथ देंगे। बट आपको लग रहा है महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां पे मैं खुद जाके आया हूँ, हालत काफी खराब है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इतनी प्लानिंग होती, आप वहां जा रही हैं, स्टेट से मिल रही हैं, तो हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या वहां चीफ मिनिस्टर इज ही एबल टू नॉट टैकल द क्राइसिस? हालत जो खराब हुई है वो पानी नहीं बरसने से हुई है, ठीक है। जो वाटर बॉडीज हैं वो टाइमली कंप्लीट नहीं हुई है, उनने टाइमलाइन पूरी नहीं की है, उन्होंने पैसे पूरे खर्च कर दिए हैं। मैं अभी तुरंत इस पे बोलूंगी तो आप लोगों को ये लगेगा कि मैं तो यूपीए के स्कैंडल खोलने में लग गई हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मैं इन बातों को बताने वाली हूँ, अगर वो वाटर बॉडीज टाइम पे कंप्लीट हो गई होती तो कहानी ही अलग होती, हम इसका मुकाबला कर लेते ड्राउट का। आप कह रही हैं जो कांग्रेस एनसीपी के टाइम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए थे उसमें पूरा एक स्कैम भी है, इट्स आल्सो कॉल्ड द इरिगेशन स्कैम। वो आप कह रहे हैं, मैंने तय किया है कि मैं आप उसका जिक्र कर रही हैं। नहीं, मैं अभी सिर्फ सूखे के मुकाबले की तैयारी करूंगी और मैं आपकी बात को अपने मुंह में डाल के नहीं बोलूंगी।